What's up guys, good morning, welcome to Leh. We are staying at the Kang Singh Hotel. This was not our original choice of hotels. रात को जिस होटल में प्लान करा था रुकने का वो पूरा फुल था. मुझे ऐसा लगा कि वो खाली होगा बट मिला नहीं, तो लास्ट मोमेंट पर हमें होटल भी ढूंढना पड़ा रात को 10:30-11 बजे थकी हालत में. बट एनी वेज वी गॉट दिस होटल वाया रेफरेंस. ठीक ठाक है, अच्छा ज़्यादा नहीं है, बट यह है कि बाइक्स पार्क करने की हमें जगह मिल गई है. देख लो चारों बाइक्स खड़ी हुई हैं, और कल जो बाइक्स ने झेला है ना, बहुत ही अलग टाइप की सिचुएशन झेली है. बहुत ज़्यादा सैंड झेली है, बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में चलाई हैं. सो इट वॉज एन ऑसम राइड. थक तो बहुत गए थे बट आज सुबह उठ के सीरियसली ऐसा लग रहा है कल बहुत ही बढ़िया राइड थी. आज का दिन फुल डे रेस्ट करना है. सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द बाइक्स. दिस इज़ द 850 GS दैट सुमित वॉज राइडिंग. नीचे हालत देखो यार, इस एरिया में क्या मिट्टी लगी हुई है, काफ़ी बुरी हालत हुई है कल सैंड में चलाने में. अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ. दिस इज़ तुषार्स एक्सपल्स. ये बाइक सही चल रही है, 80 km/h होल्ड करती है, ऐसा सच कोई बड़ा इशू नहीं है. बट इसकी जो सीट है, भाई ने जब मॉडिफाई करवाई थी तो काफ़ी स्टिफ हो गई है, ऐसा लग रहा है किसी पत्थर पर बैठे हैं. मैंने इस बाइक को रात को उपशी से रुमस्ते से ले तक चलाया था, सो मुझे समझ में आ गया कि उसको क्या डिफ़िकल्टी कर हो रही होगी बाइक चलाने में. दिस इज़ अभिनव्स एक्सपल्स, जिसमें कॉन्स्टेंटली एक इशू चल रहा है. ये पिकअप नहीं ले रही थी पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण. आई थिंक इसका एयर फिल्टर ब्लॉक था या क्लच प्लेट में कुछ इशू है. बट एनीवेज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा इशू दे रही थी हमें, तो इसको भी अभिनव शायद ठीक कराएगा. दिस इज़ द हिमालयन BS6 डैट युद्धवीर इज़ राइडिंग. इसकी कंडीशन तो परफेक्ट है यार, हिमालयन ना बनी है इन जगहों के लिए. हम सब लोग हिमालयन को इग्नोर करते हैं थोड़ा, बट दिस इज़ वन हेल ऑफ अ बाइक इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू राइड अबव 130 km/h फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको 110 चलाना है, 110 चलाना है पहाड़ों में तो वो भी नहीं होता, 80-90 चलाते हैं मैक्सिमम प्लेन्स में, अदरवाइज तो 60-70 चल रहा होता. तो दिस इज वन हेल ऑफ अ बाइक. एंड देन वी कम टू आवर लवली ब्लैंका द टाइगर 800. इस बाइक को ना चलाने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा. इसमें जो टॉर्क है, पार है, इतनी ज्यादा है कि आपको कहीं भी किसी भी टाइप के टेरेन पे कोई इशू नहीं हो सकता. आपको इसको चलाने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि हैवी बाइक है, बट उसके अलावा हाईवेज पे मजेदार, ऑफ रोड पे मजेदार, स्लश में आराम से चल सकती है, सैंड में भगवान की दया से कहीं मैं गिरा नहीं वहाँ पे. तो दिस बाइक डिड एवरीथिंग फॉर मी एब्सोल्युटली परफेक्टली. अगर आप इस बाइक की पास से कंडीशन देखो ना, देखो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी है बीक वगैरह पे भी, देखो ये सब. विंडशील्ड तो पूरी साफ होगी, आप लोगों को नहीं तो वीडियो में इशू होगा देखने में. इस जगह देखो क्या बढ़िया पाउडर कोटेड है सैंड से, और स्प्रॉकेट जो हमारा ब्रांड न्यू था ट्रिप से आने से पहले, उसकी हालत. और ये जो व्हील्स हैं, कोई कह सकता है ये ब्लैक है, अभी पूरे मिट्टी से ढके हुए हैं. वन थिंग दैट वर्क्स रियली वेल इन दिस सॉर्ट ऑफ टेरेन्स फॉर अ राइड इज़ अ 21-inch फ्रंट व्हील. 850 GS, हिमालयन एंड आर ओन ब्लैंका द टाइगर 800, ऑल ऑफ दीज हैव अ 21-inch फ्रंट व्हील, जिससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको ऑब्स्टिकल्स पे. अगर आप वाटर क्रॉसिंग में हो, आपको सारे पत्थर नहीं दिख रहे, अचानक से बीच में कोई मोटा पत्थर आए तो आपकी बाइक ना एकदम से डेविएट होकर राइट लेफ्ट नहीं जाती, जिससे आप गिर सकते हो. 17-inch फ्रंट व्हील पे भी राइड करते हैं लोग, मैंने भी वर्सेस पे किया है, बट उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो 21-inch फ्रंट व्हील इज़ द वे टू गो इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर ऑब्स्टिकल्स. So guys, so the plan is to ride in the city and get some things done. One of them being get our bikes washed. Bikes बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, chain एकदम मिट्टी और sand में भरी हुई है, तो उसको एक बार साफ करवाएंगे. And permit का देखना है आज, permit हानले का कुछ लोग कह रहे हैं चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए, तो इस picture को मैं आज इसी video में clear करूँगा कि हानले का permit चाहिए होता है कि नहीं होता. ILP परमिट वैसे तो हटा दिया गया है, यू कैन गो टू सोमरेरी, पैंगोंग, नूबरा विदाउट द परमिट इफ़ यू आर अ इंडियन सिटीजन. बट हानले के बारे में लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी अलग टाइप की जगह है, वहाँ पे चाइना बॉर्डर के काफ़ी क्लोज पड़ती है वो, तो इसलिए वहाँ मे बी यू नीड अ पेपर परमिट जिस पे हानले अलाउड वाली स्टैम्प लगी हो. एनीवेज देखते हैं. एंड तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है थोड़ा सा अभिनव की बाइक में जो ECU में इशू आ रहा है या एयर फिल्टर में इशू आ रहा है या जो भी इशू है उसको देखते हैं सॉर्ट आउट करने का, नहीं तो अभिनव को हिमालयन हायर करनी पड़ेगी हमारे साथ राइड पे जाने के लिए. एंड फाइनली
we have to take a SIM card for us. Although Leh में ही चलेगा, but थोड़ा बहुत काम वाम करने के लिए हमें SIM card चाहिए. So that is the plan, guys. आज का nothing major, but just टाइम पास. एंड फ्राइडे को एक चीज़ बताऊँ, देख रहे हो आप सारी दुकानें बंद हैं, सारे शटर्स बंद हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट reasons फॉर दैट इज फ्राइडे को यहाँ कुछ स्ट्राइक चल रही है आज, पता नहीं हर हफ्ते होती है नहीं होती, जिसमें 2 बजे तक सारी दुकानें बंद रहती हैं. सो आफ्टर 2 PM एवरीथिंग ओपन्स अप. एंड टाइम राइट नाउ इज 12:33, स्टिल अबाउट 1.5 hours टू गो बिफोर थिंग्स ओपन अप. लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस. बाय द वे, एज यू कैन सी, I am today riding the Himalayan, and Yudhvir sir, who is in the background, if you can see him, he is riding the Tiger 800. He is a Tiger 800 owner from the past, now using a BMW 1200. So yeah, let's go this side and see if we can find something. Sab kuch band hai filhal to. I think hum thoda sa jaldi nikal aaye hain. Riding the BS6 Himalayan for the first time, and display काफ़ी change हो चुका है. ये जो सामने इस जगह पे navigation वाला part आ चुका है, this is something that I am experiencing for the first time. बढ़िया bike है यार पहाड़ों के लिए, no doubt, no issues. But यार चक्कर ही है ना, टाइगर चलाने के बाद ना हर बाइक रफ ही लगती है मुझे. टाइगर की स्मूथनेस का कंपैरिजन कोई नहीं है. इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, मतलब लोअर गियर पे डाला तो एकदम से बाइक, हाँ तो भाई बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है. इसमें फर्स्ट गियर में स्पीड पकड़ती ही नहीं है बाइक उतरते समय, जो बहुत बढ़िया ऑफ रोड में. हाँ टाइगर भागती है साली फर्स्ट गियर में भी. वर्सेस में बहुत अच्छी इंजन ब्रेकिंग थी ट्विन सिलेंडर में, टाइगर में है ही नहीं साली. भाई क्या मज़ा आ रहा है हल्की बाइक चलाने में यार, यार मज़ा आ रहा है यार. कार वॉश ढूंढ रहे थे, वो बंद है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस ढूंढ रहे हैं जहाँ से पास मिलना है, वो अभी हम गलत जगह पर चले गए. और सुमित, तुषार एंड अभिनव, ये लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं. फ़ोन हमारे पास है नहीं, किसी का फ़ोन चल नहीं रहा है, तो घूम ही गए हैं. इन शॉर्ट सब लोग घूमे पड़े हैं इधर उधर. होपफुली मिल जाएं अभी, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वेट करते हैं. होपफुली ये लोग वहाँ ही आ जाएं और वापस साथ में ही राइड करें, नहीं तो ना पता नहीं लगेगा, होटल जाना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑल ऑफ अस हैव इन कॉमन. It started giving me trouble when we were doing climbing Baral Achla. When we were coming down, sorry, stop was fine. Stop was perfect. Stop was fine. 70 feet. तो वो कब आएगा एसीओ? आज ही आएगा, फिर आएगा. एक दिन में भिजवा देगा वो एसीओ? हाँ यार, मतलब कहाँ? In Leh as well. हाँ, ये contacts everywhere. ये जो 15-20 लोगों का खाना है ना, पूरा खत्म करके जाना. 15-20 लोगों का खाना. चलो इतना सारा वेस्ट कर गया, हदगुले वेस्ट कर दिए. अच्छा, बट है अच्छे, अच्छे नो डाउट, वेरी नाइस हदगोलास. क्या ये फ्राइड चिकन मोमोज? भाई तेरी तबीयत ठीक है ना भाई? जुकाम वकाम ठीक है ना भाई? मास्क उतार के जा, जुकाम छुपा मत इसमें, कोविड हो गया मेरे को. ये आई होप यार ये ज़्यादा टाइम ना लगाएं ये देने में, मतलब कि अंदर जाएं और धड़ाधड़ होना चाहिए काम परमिट का. जब लाए हैं प्रिंट आउट एवरीथिंग इज डन, थप्पा मारो और दो हम जाएं वापस. सर प्रिंट आउट ले आए हैं, स्टैंप लगवानी है खान ले के लिए, यहीं लगाते हैं. चलो भाई. भाई अगर बंद होता आन ले तो ये सब मना ना कर रहे होते. सो गाइज, वी हैव कम हेयर टू गेट द स्टैम्प ऑन द परमिट फॉर हानले. यू नीड अ स्टैम्प ऑन अ पेपर परमिट, सो फॉर द प्लेसेस जस्ट द ऑनलाइन परमिट वुड वर्क. देखिए गाइज, वी हैव गॉट द परमिट फॉर हानले. सो ऑल दोज डाउट्स कि हानले खुला है, बंद है, नाइट स्टे अलाउड है कि नहीं है, सारे जो सस्पिशियस, सारे जो डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं ना फेसबुक ग्रुप्स पे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, वो कुछ भी नहीं है. अगर हानले बंद होता तो आपको परमिट ही नहीं देता, परमिट ही नहीं देती गवर्नमेंट. और यहाँ पे हमें DM ऑफिस से प्रॉपर परमिशन मिली है. फॉर अदर प्लेसेस, सोमुरी, खारदुंगला, पैंगोंग, नूबरा, नो परमिट इज़ रिक्वायर्ड. बट फॉर हानले, सिंस इट लाइज इन द न्यूमा डिस्ट्रिक्ट, यू विल नीड अ स्पेशल थप्पा और स्टैम्प ऑन द परमिट एंड यू आर गुड टू गो. सो जस्ट गोइंग टू आर होटल नाउ
एंड वील रिलैक्स फॉर सम टाइम बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइड अगेन. वील नीड टू गेट द फ्यूल टॉप्ड अप टू द ब्रिंक. तो देखते हैं यार कैसे सीन बनता है. यार जसवीर, हाँ, टेल अस दिस, व्हाट्स गोइंग टू कम फर्स्ट ऑन द वे? वील गो टू करू, करू एंड गेट आवर टैंक्स फिल्ड, ऑल ऑफ अस. ओके, हाउ फार इज करू? 30 किलोमीटर्स. So 30 kilometers from here is Karu, where we get our tanks topped up, and then we'll take the route up, which goes to Shakti Village. Shakti Village. And then we climb up. I'm paying attention. Then we climb up Changla Pass, 17,000 odd feet. Oh. So Changla. Please, get your panties then, up. Then after we descend Changla, we reach a place called Tangste. Tangste. Where normally permits are checked, but we do not need a permit this time because of the new rules. Yeah. And after that, we go to Pangong from there. And Pangong is what, 150, 160? 160, something like that. It takes about 5 hours. Not 5, but about, I would say, 6-7 hours. 6-7 hours, yeah. Because we'll also take a lot of breaks, etc. We'll stop at Changla Top as well because there is there is only one cafe there where we can have tea, Maggi, Thupka, or maybe take a washroom break. The basics that, you know. Yeah. Okay, cool. Oh yeah. भाई एक्सपल्स की सीट कैसी लग रही है? नई वाली बहुत बढ़िया. चला लेगा भाई? बिल्कुल. ठीक है भाई, चल. द रेंज ऑन माई टाइगर इज जस्ट 17 और 16 किलोमीटर्स. इट कैन गिव अप ऑन मी एनी मोमेंट मैन. पैंगोंग के लिए तो हमारा टाइगर का एक टैंक आराम से चलेगा, कोई पंगा ही नहीं है. As I said to him as well, Expulse doesn't suit you man with the type of physique you have. It feels like you are crushing the Expulse beneath you. And we are just nearing the Thikse Monastery area. Here's me riding my Blanka, the Tiger 800, and in front of me is Abhinav on the Himalayan, Yudhvir on the Himalayan, Tushar on the Expulse, and Sumit on the 850 GS from BMW. 5 bikes, awesome ride, awesome group, and we are going to Pangong. रुक जा रुक जा, सर पे तो नहीं लगी? हाथ में दर्द है, हाथ में. ओके, ठीक है ना. युधिर भाई कहाँ हैं? ऐसे नहीं, मैं नहीं, लोड नहीं, वो भारी होती है एक्चुअली ना. ऐसे नहीं उठेगी. ये बिल्ली के चक्कर में हुआ ना? नहीं, ये पहले की मरी हुई है. एक वो बिल्ली मेरे में घुसती, वो बच गई थी. मुझे लगा आप में घुसा है. आप, मुझे लगा आप घुसे हो दोनों एक दूसरे में. और आप आराम से करती, मैं जसवीन कहाँ लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है? आप ठीक हो? श्योर. वो जो दिल्ली थी ना, उसको मैंने क्रॉस किया, वो मेरे पीछे से ना लेफ्ट से आ रहा. ऐसी क्रॉस किया और उसमें ब्रेक मारने के चक्कर में ज्यादा हो गया. छोटी सी बिल्ली थी ना, एकदम से थोड़ी धीरे धीरे करके वापस फिर वापस कुछ उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक मार के ये इसके नीचे हो गए हैं ना. हाँ, काफी बार थोड़ी नीचे हो गया. खोलनी पड़ेगी अभी, टूल किट निकालता हूँ. Fuck. Front brake gone. So I've reached Sonam Nurbu Memorial Hospital, and Jasveen is in the car. A gentleman stopped for us, and he is carrying Jasveen in his car. He's very kind. हाथ ना बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो सपोर्ट लेना पड़ रहा है उसे.
रुक, तू तू बैठ जा वहाँ पे, हाथ पकड़ के ना, मैं लगाता हूँ वो जूता, तो नहीं फटा ना, ठीक है आजा चल। So the date of this accident was 28th of August. उसके बाद I got a fracture in my right arm, elbow dislocation plus a fracture. उसकी details मैं आपके साथ अपने next video में share करूँगा, but over these last almost two months, मैं सारी videos को edit इतनी जल्दी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हाथ right hand जो working hand है वो damaged था. So next video में मैं आपको दिखाऊँगा exactly injury क्या हुई थी मुझे and हम लोगों ने bikes वगैरह कैसे ship करवाई, किस तरह से वो किस condition में गुड़गांव ट्रायम्फ शोरूम पहुंची, सो वो सारी डिटेल्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा एंड आई विल आल्सो डू अ काइंड ऑफ एन एनालिसिस फ्रॉम माय साइड कि क्या गलती हुई थी जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या चीज़ अवॉइड कर सकता था जिसके कारण वो एक्सीडेंट ना हो एंड कैसे डील किया हमने इस एक्सीडेंट के साथ इतनी फार ऑफ जगह में जैसे लद्दाख, जहाँ पे नॉर्मली एज सच कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट हमने उस चीज़ के साथ कैसे वहाँ डील किया. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है. मैं तो टाइम से बाइक चला रहा हूँ, पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, सो आई वांट टू शेयर विद यू कि अगर गॉड फॉरबिड किसी के साथ अगर ऐसा हो, सो हाउ कैन दे हैंडल दिस सिचुएशन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस एंड स्टे सब्सक्राइब.